दोस्तों, तो स्वागत है आपको हमारी इलेक्ट्रॉन यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि हमारी एक नया चैनल क्रिएट हुआ है, जहां पे आपको इलेक्ट्रॉन की चैनल के अंदर जो बैकग्राउंड जो वर्क होता है वो सब कैसे क्या होता है शॉर्ट्स वीडियो दिखाएंगे हम उस चैनल के अंदर। तो प्लीज जाइए और जाके विजिट करिए उस चैनल को, सब्सक्राइब करिए और अपनी भाइयों को साथ शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सॉफ्ट स्टार्टर है, सेम मॉडल का 4000 वाट का एम्पलीफायर सॉफ्ट स्टार्टर है ये। तो ये आप कोई भी एम्पलीफायर के साथ आप यूज कर सकते हैं गाइस। तो सबसे खास बात जो इस जो सॉफ्ट स्टार्टर है, इस सॉफ्ट स्टार्टर की खास बात ये, हमने यहाँ पे NTC यूज किए हैं गाइस। हमने यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस जो है 10 वाट, 20 वाट, 30 वाट का जो रेजिस्टेंस यूज किया जाता है सॉफ्ट स्टार्टर के लिए, वोल्टेज को ड्रॉप करने के लिए, थोड़ा रेजिस्टेंस करने के लिए, तो वहाँ पे हमने NTC यूज़ की है, जो कि प्रोफेशनल एम्पलीफायर में होता ही है। तो ये हमारी कॉपी पीस है, डिज़ाइन जो है ये कॉपी डिज़ाइन है NX ऑडियो का। तो गाइस, आप इसको परचेस कर सकते हैं, काफ़ी रिजनेबल प्राइस के साथ आपको ये मिलेगा और डिलीवरी ऑल इंडिया डिलीवर हो जाएगा ये वाला सर्किट। तो जितने पीसेस भी चाहिए आपको माल मिल जाएगा, फुल स्टॉक में है हमारी सब स्टार्टर। ओके गाइस, तो इसका जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग भी आपको मैं दिखा देता हूँ। और सिंपल सा कनेक्शन है, इनपुट आउटपुट 500 वाट से एम्पलीफायर लेकर 4000 वाट तक एम्पलीफायर के अंदर ये आप चला सकते हैं। 500 वाट से लेकर 4000 वाट तक आप चला सकते हैं, 500 वाट से 1000-2000 वाट तक अगर चलाना है तो NTC यहाँ पे एक लगाने से ही हो जाएगा, थोड़ा सा कॉस्टिंग कम हो जाएगा। अगर 500 वाट के कितने वाट के लिए आप यूज़ करेंगे वो हमें बता दीजिएगा, तो आपका कॉस्टिंग थोड़ा सा कम करके इसको हम भेज सकते हैं। ओके, क्योंकि NTC थोड़ा सा महंगा आता है और अभी जो है सामान का प्राइस भी बहुत बढ़ चुका है, तो जो भी रेट है जितना रिजनेबल प्राइस में दिया जा सकता है उतना रिजनेबल प्राइस के साथ ही आपको माल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं गाइस, एकदम बिल्कुल बेफिक्र रहिए। और रही बात इसकी PCB की क्वालिटी, ये है 35 माइक्रोन का है और इसका 70 माइक्रोन भी मिल जाएगा, 35 माइक्रोन भी मिल जाएगा, जो भी बोलेंगे मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे PF देख लीजिए, हमने बॉक्स टाइप में PF यूज़ किए हैं, 47 UF, 474 जो PF होता है वो वाला PF भी आप यहाँ पे डालिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं डाल सकता हूँ। यहाँ पे जो है दिया गया 4K7 रेजिस्टेंस हमने यहाँ पे लगाए हैं, बाकी कैपेसिटर मेरा स्टॉक से खराब ख़त्म हो गया था, तो इसलिए अब ये बड़ा वाला कैपेसिटर लगा रहा है। देखिए 220 UF 100 वोल्ट और इधर लगा हुआ है 100 UF 100 वोल्ट, दोनों ही काम करता है, बहुत बढ़िया काम करता है। थोड़ा सा डीले कम ज़्यादा होता है, माइक्रोफेड कम होने से ज़्यादा होने से डीले कम ज़्यादा होता है, बाकी सारा कुछ सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी बात करते हैं रिले की, तो यहाँ पे नॉर्मल कोई रिले नहीं है, रिले जो है यहाँ पे 48 वोल्ट का रिले हमने यूज़ किए हैं, यूज़ तो हमने नहीं किए, हमने बस लगाए हैं, डिज़ाइन तो NX ऑडियो का है। तो इसको आप परचेस करिए, कोई भी बोर्ड में लगा दीजिए, कोई भी एम्पलीफायर में लगा दीजिए, एकदम ट्रांसफार्मर जो एम्पलीफायर आपका रिलायबल हो जाएगा, ठीक है। तो खास तौर आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ये सॉफ्ट स्टार्टर, जब हम बहुत सारा कैपेसिटर यूज़ करते हैं और काफ़ी बड़ा ट्रांसफार्मर हमने यूज़ करते हैं, तो उस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ही जल्द बहुत सारा एम्पलीफायर का वीडियो आ रहा है, काफ़ी हैवी क्वालिटी एम्पलीफायर बन रहा है, सारा का वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है। तो गाइस, जुड़े रहिए हमारे साथ, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट शेयर और बाकी तो आपको मैं बता ही दिया, वीडियो को सब्सक्राइब किए, चैनल को सब्सक्राइब किया करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।